वेलकम टू प्रतिभा पाठशाला आई एम रुचिका अरोड़ा योर फैकल्टी फॉर क्लास 1 टू 10 आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट टुडे क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं 26 जनवरी की 26 जनवरी जिसको हमारी कंट्री में रिपब्लिक डे के नाम से मनाया जाता है उस दिन क्या हुआ था उस दिन हमारी कंट्री को मिली थी एक कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके लिए हम लोगों ने सालों स्ट्रगल की थी क्या थी वो स्ट्रगल किसने की थी वो स्ट्रगल उसके बारे में एक अमेजिंग चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विच इज नेशनलिज्म इन इंडिया नेशनलिज्म इन इंडिया यानी राष्ट्रवाद की भावना भारत में राष्ट्रवाद भारत का अब क्लास टेंथ का हिस्ट्री का ये चैप्टर है और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है एक ऐसा चैप्टर है जिसकी कहानियां हम लोग सालों से अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनते आ रहे हैं टीवी में मूवीज की फॉर्म में देखते हुए आ रहे हैं तो बहुत रिलेटेबल चैप्टर है जब पिछला चैप्टर आप लोग कर रहे थे नेशनलिज्म इन यूरोप तो वो उतना रिलेटेबल नहीं था क्योंकि वहाँ की लोकेशन आपने देखी हुई नहीं थी वहां की कहानियां आपने पहले सुनी हुई नहीं थी बट अब ये जो चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं ये आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है और प्लस एक बहुत अच्छी बात

कौन कौन से टॉपिक हैं भाई तो सबसे पहला टॉपिक आ जाता है हमारा फर्स्ट ऑफ दिया क्यों दिया और उसका क्या इंपैक्ट था इस सब के बारे में हम लोग एक डिटेल डिस्कशन करेंगे तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चैप्टर को शुरू करते हैं अब चैप्टर शुरू होता है बैकग्राउंड स्टोरी से दो बैकग्राउंड स्टोरीज, दो चीजें जो हम लोग पहले अपने पास्ट में पढ़ चुके हैं सबसे पहली बात ये कि हमने पिछला चैप्टर कौन सा पढ़ा था हमने पिछला चैप्टर पढ़ा था राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप अब राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का जो आखिरी टॉपिक था किसी को याद है आखिरी टॉपिक था नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म अब इंपीरियलिज्म क्या था तो इम्पीरियलिज्म का मतलब था अपनी पावर से दूसरों पर राज करना क्या था अपनी पावर से दूसरों पर राज करना वॉर करना लड़ाई करना और ज्यादा से ज्यादा अपनी टेरिटरीज को इंक्रीज करना अब यूरोप अपने आप में तो सेटल होता जा रहा था हो गया था या हो रहा था बट उसे इंपीरियलिज्म का एक नया कॉन्सेप्ट समझ आ चुका था और इंपीरियलिज्म करने के लिए उसने किसको चुना तो यूरोप ने इंपीरियलिज्म के लिए चुना दूसरे कॉन्टिनेंट्स को दूसरा कॉन्टिनेंट जैसे कि एशिया और एशिया में एक बहुत ही पावरफुल कंट्री उनको नजर आई एक कंट्री जहाँ पे ट्रेड बहुत अच्छा था एक कंट्री जो बहुत फ्लरिश कर रही थी वर्ल्ड में वो कंट्री थी कौन सी वो कंट्री थी इंडिया तो अब वो आए इंडिया में अब यहाँ पे हमने एट स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था अगर आप लोगों को याद हो बहुत इंटरेस्टिंग था वो भी कि कैसे चार अलग अलग कंट्री सेम ऑलमोस्ट सेम ड्यूरेशन में इंडिया में आई थी इंडिया में चारों ट्रेड करने लगी थी उनमें से एक थी ब्रिटेन अब उस ब्रिटेन ने इंडिया में ट्रेड मोनोपोली हासिल कर ली मोनोपोली हासिल करने के बाद क्या हुआ बिजनेस करते गए करते गए धीरे, धीरे धीरे उनको लगा कि हमें तो बिजनेस और अच्छा मिलेगा अगर हम यहाँ पे राज करने लगेंगे तो इंपीरियलिज्म करनी शुरू कर दी उन्होंने और इंडिया को बना लिया वॉर्स के थ्रू अपना कॉलोनियल कंट्री अपना कॉलोनियल कंट्री बनाने के बाद उन्होंने इंडिया को पूरी तरह से एक्सप्लॉयट किया पूरी तरह से एक्सप्लॉयट किया और उसके बाद उसके बाद क्या हुआ धीरे धीरे इंडियंस को भी नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा इंडियंस को भी इस बात से आपत्ति प्रॉब्लम होने लगी कि हम क्यों किसी के अंडर रहकर काम करेंगे हम क्यों किसी और किसी फॉरेन पावर के अंडर रहेंगे तो यहाँ नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था वो इंडियंस में बहुत भर के उमड़ के आने लगा जिसके बाद नेशन वाइड स्ट्राइक्स होने लगी नेशन वाइड सत्याग्रह होने लगे और पूरी कंट्री ने साथ आके इस ब्रिटिश पावर को कंट्री से बाहर निकालने का डिसीजन लिया और फाइनली 1947 में हमने वो कर भी दिखाया तो अब क्या थी ये कहानी नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आने के बाद जब पूरी कंट्री साथ में मिल मूवमेंट्स करने लगी तो क्या थी वो स्ट्रगल कौन थे वो लोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट थे स्ट्रगल का जिनको आज भी हमें सैल्यूट करना चाहिए क्योंकि हम इस आज़ाद हवा में सांस ले पा रहे हैं ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अब बैकग्राउंड स्टोरी आपको क्लियर हो गई कनेक्ट कर लिया आपने कि कैसे यूरोप के नेशनलिज्म को कनेक्ट करना है इंडिया के नेशनलिज्म से अब आगे चलते हैं तो हो क्या रहा था कि चलो लोग टॉलरेट कर रहे थे ठीक है तो पर मॉडर्न नेशनलिज्म का इंडिया में आ चुका था नेशन स्टेट्स की डिमांड इंडिया में हो चुकी थी और बहुत सारे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट एक के एक के बाद बाद एक एक होते जा रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने भी काफी कुछ किया इसको रोकने के लिए और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि किसने क्या किया और किसने जीता फाइनली उस चीज को आ, यहां से शुरू होती है ये बात अराउंड फोर्टीन टू एटीन में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई कब हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वो हुई थी एट नाइनटीन फोटीन से नाइनटीन एटीन में 1914 से 1918 में अब जब वॉर होती है तो वॉर में क्या होता है वॉर में लगता है बहुत सारा पैसा और वो पैसा ब्रिटेन ने कहाँ से लिया वो पैसा ब्रिटेन ने लिया सिर्फ और सिर्फ इंडिया से इंडिया के ही रिसोर्सेज को और ज़्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया इंडिया के ही रिसोर्सेज को लगातार मूछ करना शुरू कर दिया ठीक है तो अब क्या क्या प्रॉब्लम आई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ गया इंडियंस से लिया गया टैक्सेस की फॉर्म में और भी बहुत सारी फॉर्म में उसके बाद हर चीज़ के प्राइजेस बढ़ गए बेसिक से बेसिक चीज़ें मेडिकल फैसिलिटीज फूड फैसिलिटीज हर चीज़ के दाम बढ़ा दिए गए अब उसके बाद तीसरी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ब्रिटिशर्स के ऑफिसर्स जो थे वो जाते थे किसी भी विलेज में देखते थे तुम तुम थोड़े स्ट्रांग लग रहे हो चलो तुम्हें आर्मी में आना पड़ेगा सामने वाला बंदा बोले नहीं नहीं मुझे आर्मी में नहीं आना बोले तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है हमने बोला चलो ये ये चल रहा था वहां पे इसे कहते हैं रिक्रूटमेंट जबरदस्ती आर्मी में डालना तो आर्मी में जबरदस्ती रिक्रूट किया जा रहा था लोकल लोगों को और सबको पता था कि क्योंकि ये आर्मी बन रही है वर्ल्ड वॉर के लिए तो बहुत चांसेस है कि शायद वो लोग जिंदा भी नहीं बचेंगे सो नोबडी बडी वॉन्टेड टू गो इन टू आर्मी बट देवर फोर्स टू अब लोगों को लगा कि चलो ठीक है जो भी हमारे साथ हो रहा है ये एक लिमिटेड टाइम के लिए हो रहा है इसके बाद ये सब खत्म हो जाएगा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगी पर साथ में ही एक और प्रॉब्लम आन पड़ी और वो प्रॉब्लम क्या थी वो प्रॉब्लम थी हमारी बहुत सारी कं बहुत सारे एरियाज में हमारी कंट्री में उसी ड्यूरेशन में यानी कि 18, 19, 20, 21 इन तीन चार सालों में करीब करीब आ, बहुत ज़्यादा एरियाज में हमारे क्रॉप फेलियर हो गए क्रॉप फेलियर होने से क्या होता है क्रॉप फेलियर होने से खाना हो जाता है कम और जब खाना कम है और खाने वाले ज़्यादा तो ऑब्वियसली खाने का रेट बढ़ जाता है और गरीब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते तो एक तो ये सारी चीजें हो रही हैं टैक्सेस बढ़ गए हैं खाने के कॉस्ट बढ़ गए हैं उनके घर के जो अर्निंग मेम्बर हैं उनको जबरदस्ती आर्मी में डाल दिया गया है तो इन चीजों ने ना लोगों को बहुत भर के रखा था बहुत गुस्सा था लोगों के अंदर और जब बहुत सारे लोग एक साथ गुस्सा होते हैं तो उनको क्या चाहिए होता है उनको चाहिए होता है एक लीडर जो उनकी बात को सामने रख पाए एक लीडर जो उनके लिए स्टैंड ले पाए अब इस लीडर की इस लीडर का रोल प्ले यहां पे महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी जो कि इंडिया में आए इन द कौन से में आए थे महात्मा गांधी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू में आ जाता है और यहां तक कि एंट्रेंस एग्जाम तक में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है महात्मा गांधी इंडिया में आए थे जनवरी 1915 में अब महात्मा गांधी कहाँ से आए थे तो महात्मा गांधी आए थे साउथ अफ्रीका से साउथ अफ्रीका में लॉ की पढ़ाई करने के बाद वहाँ पे भी कुछ पॉपुलर स्ट्रगल्स का पार्ट बनने के बाद जब महात्मा गांधी इंडिया आए तो बेचारे बड़े दुखी हो गए वो बोले मैं तो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हुआ था यहाँ तो अपनी देश की बैंड बजी पड़ी है पहले इनके लिए कुछ करना ज़रूरी है तो महात्मा गांधी निकले घूमने के लिए ठीक है उन्होंने सोचा कि कॉमन लोगों से चलते हैं बात बात करते हैं देखते हैं क्या है उनका सिचुएशन अभी तो अब जब पहुंचे तो बड़े दुखी हो गए अगेन सबसे पहले गए अपना चंपारण में चंपारण में उन्होंने देखा कि वहाँ लोकल फार्मर्स बड़े परेशान हैं क्यों परेशान थे क्योंकि उनको जबरदस्ती इंडिगो प्लांटेशन के लिए फोर्स किया जा रहा था इंडिगो यानी अफीम की खेती यानी कि एक ऐसा क्रॉप जो कि उनके सॉइल को लगातार बंजर यानी बैरन कर रहा था और क्या हो रहा था एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे थे उन्हें ज़बरदस्ती अफीम उगवाया जा रहा था अपने लैंड पे इंडिगो प्लांटेशंस करवाई जा रही थी पैसे ज़्यादा दिए नहीं जा रहे थे उनका सॉइल ख़राब हो रहा था बहुत दुखी थे इसके अगेंस्ट गांधी जी ने अपना पहला मोमेंट लॉन्च किया सारे फार्मर्स के साथ मिल के विच इज़ कॉल्ड द चंपारण मोमेंट ठीक है चंपारण मोमेंट बिहार का 1916 सिक्सटीन में गांधी जी ने लॉन्च किया जो कि उनका पहला मोमेंट था उसके बाद ऐसे कई मोमेंट्स दो तीन छोटे छोटे मोमेंट्स और भी किए उन्होंने जैसे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में भी उन्होंने एक मोमेंट किया गुजरात में और कॉटन मिल वर्कर्स के साथ मिलके भी अहमदाबाद में 1918 में उन्होंने क्या किया उन्होंने मूवमेंट किया यहाँ पे भी उन्होंने लोगों की वेजेस बढ़ाने के लिए ठीक है आ, जो फैक्ट्री ओनर्स थे उनके अगेंस्ट एक सत्याग्रह चलाया अब यहाँ पे गांधी जी का मकसद क्या था गांधी जी के दो आ, बेसिक एम थे ये सब करने के पीछे पहला इन कॉमन लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बिल्कुल सीधा सीधा और दूसरा सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट को लोगों के सामने लाना अब आप समझो कि सत्याग्रह क्या था तो सत्याग्रह में एक वर्ड आता है सत्या विच इज़ द ट्रूथ अब गांधी जी का कहना ये था कि अगर लड़ाई सच की है तो आपको एक भी हाथ उठाने की जरूरत नहीं है आप उस लड़ाई को नॉन वॉयलेंस और पेशेंस के साथ जीत सकते हो यही था सत्याग्रह इसी सत्याग्रह से गांधी जी ने बहुत सारे नेशन वाइड मूवमेंट किए और अंग्रेज़ों को धूल चटा दी येस यू आर राइट अंग्रेजों को धूल चटा दी बिना किसी वॉयलेंस के बिना किसी फिजिकल अटैक के तो सत्याग्रह क्या है अब एक बार ध्यान से देख लेते हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ जाता है तो सत्याग्रह इज अ नोवल वे ऑफ फाइटिंग द कोलोनियल रूल इन इंडिया ठीक है एक ऐसा एक ऐसा तरीका जो कि है नॉन एग्रेसिव यानी कि उसमें कोई मारपीट नहीं है दूसरा है पीसफुल मास एजिटेशन। बहुत सारे लोग एक साथ बैठेंगे कुछ नहीं करेंगे मगर कोई मारपीट कोई फिजिकल एजिटेशन नहीं होगी जितने ज्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे उतना ज्यादा यह पावरफुल होता जाएगा यह था आइडिया गांधी जी का और यह सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन और इनजस्टिस के अगेंस्ट ही होना चाहिए ठीक है मतलब ऐसा नहीं है कि आज तुम लोग घर जाके बैठ जाओ अपने घर में पापा गया के आगे पापा साइकिल दिलाओ वरना मैं सत्याग्रह पे हूं यह नहीं करना ठीक है क्योंकि इट इज ओनली टू बी यूज अगेंस्ट ऑपरेशन एंड इनजस्टिस ठीक है तो ऑपरेशन और इनजस्टिस के अगेंस्ट गांधी जी ने सत्याग्रह के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया विच वॉज वेरी न्यू इन इंडिया इसीलिए लोग एक नई आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट करना धीरे धीरे शुरू करने लगे लोगों ने इसको काफ़ी अच्छे से लिया तो अब दिस ब्रिंग्स टू द एंड ऑफ दिस वीडियो आने वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे पहला नेशन वाइड मोमेंट ये तो छोटे छोटे स्टेट मोमेंट्स थे कैसे पहला नेशन वाइड मोमेंट हुआ और कैसे गांधी जी ने उसको अच्छे से गाइड किया और फिर ये डायरेक्शन आगे किस तरह गई ठीक है तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर हैं आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो और अगर कोई कमी लगी है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करो गाइज थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे